नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। जबलपुर में लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी है। गिरोह के चारों सदस्यों को उमती पुलिस ने देर रात तक गिरफ्तार कर लिया। रेनू पटेल ने खुद को अनाथ बताकर दशरथ पटेल से कोर्ट कैंपस के शिव मंदिर में ब्याह रचाया था। जब दूल्हा दशरथ बाइक से नई दुल्हन को घर लेकर जा रहा था तो रास्ते में वह बोली कि उसे बैठने में दिक्कत हो रही है। दशरथ ने जैसे ही बाइक रोकी, इतने में वो पीछे से आ रहे अपने प्रेमी भागचंद की बाइक पर बैठकर उसके साथ फरार हो गई। महिला गहने और कैश भी साथ ले गई। ओमती थाना इंचार्ज SPS बघेल के मुताबिक भीमगढ़ छपरा सिवनी निवासी दशरथ पटेल की शादी जबलपुर में धनवंतरी नगर निवासी रेनू अहिरवार उर्फ रेनू पटेल उर्फ उर्मिला राजपूत से तय हुई थी। रेनू का रिश्ता उसके कथित चाचा अमर सिंह पटेल निवासी संजीवनी नगर और मौसी अर्चना बर्मन निवासी नेहरू नगर मेडिकल कॉलेज गढ़ा ने मिलकर कराया था। ठगों ने रेनू को अनाथ बताया था। वही दशरथ से कहा कि उन्होंने रेनू को बचपन से पाला पोसा है। दशरथ सिवनी के स्कूल वैन की ड्राइविंग के साथ खेती करता है। जबलपुर ग्वारी घाट निवासी उसके चाचा जागेश्वर पटेल ने इस रिश्ते की बात अमर सिंह पटेल से चलाई थी। वही 31 जनवरी को रेनू और अमर ने कहा कि शादी मंदिर की बजाय कोर्ट में होगी। रेनू की खूबसूरती पर दशरथ पटेल फिदा हो चुका था और उसकी शर्त के अनुसार शादी को भी तैयार हो गया। तय समय के अनुसार मंगलवार की दोपहर 3 बजे रेनू अपनी कथित मौसी अर्चना पटेल उर्फ अर्चना बर्मन और कथित चाचा अमर सिंह पटेल के साथ दशरथ को जबलपुर जिला कोर्ट परिसर में मिली। आपसी बातचीत के बाद सभी लोग तय समय पर कोर्ट परिसर में एक महिला वकील के पास पहुंच गए। दशरथ के साथ उसके चाचा जागेश्वर और चाची सुनीता के अलावा कुछ रिश्तेदार भी थे। वकील महिला ने स्टैंप और नोटरी के एवज में 6,000 रुपए लिए। इसके अलावा दशरथ ने दुल्हन बनी रेनू को 25,000 रुपए का मंगलसूत्र और 10,000 रुपए के दूसरे जेवर दिए। अमर को भी 35,000 रुपए दिए, लेकिन महिला वकील ने कोर्ट की बजाय दोनों की शादी अनुबंध पर शिव मंदिर के सामने करा दी। वहीं दुल्हन के भागने के बाद पीड़ित परिवार ने लुटेरी दुल्हन की कथित मौसी अर्चना को पकड़कर शोर मचाया तो वकील भी वहां पहुंच गए। इसके बाद वो उसे पकड़कर उमती थाने ले गए, जहां पूछताछ में पता चला कि अर्चना पटेल का असली नाम अर्चना बर्मन है, वहीं रेनू पटेल का असली नाम उर्मिला अहिरवार है। पूछताछ के आधार पर कुछ देर बाद उमती पुलिस ने उर्मिला को भी हिरासत में ले लिया। देर रात उसके प्रेमी भागचंद कोरी को भी गिरफ्तार किया गया है। उनको बताया घटना तो वहां तुरंत वापस छोड़ गए। कोर्ट जाने के बाद में फिर जो इनकी मौसी थी वो मिली, वकील मिला। अजिल भाग रही थी जी, बोले मैं अभी फ़ोन लगा के बात करती हूँ, ऐसा वैसा उसको सब गेरे लेडीज़ ने अपने साथ। मैंने कहा आप उसको भागने मत दो। हम गए दो घंटे उनने फ़ोन लगाई मगर वो नहीं आया। अंधे समय में अब दिन डूब गया, फ़ोन लगाया यहाँ पे तो उसको गाड़ी में बिठा के फिर यहाँ पे लाए। दशरथ के दशरथ और बबली के साथ ठगी करने वाले रेनू अर्चना और भागचंद को हिरासत में लिया गया है। अमर सिंह की तलाश। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट विश्वविद्यालय रोड लोटस टावर खुटे ही रीवा।